नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कंप्लीट रिविजन के 5 सेट पे आ गए हैं। कल हमने फोर्थ किया था, आज हमारा 5th प्रैक्टिस सेट होगा। और DSSB के लिए नए बैच स्टार्ट हो गई है। इंक्वायरी के लिए और अभी नंबर में एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रोलिंग डाउन होता रहेगा OBS में, नीचे आप देखेंगे स्क्रॉलिंग डाउन हो रहा है, वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और हमने कल इंडिफिनिट और डिफिनिट किया था इंटीग्रल, और आज हम करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले एरिया बाउंडेड बाई कर्व करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत लोग कह रहे थे कि सर फार्मूला की भी बता दिया करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। फार्मूला के लिए आपको थ्योरी क्लास जब बताई जाएगी वहाँ पे फार्मूला एकदम आपको डिराइव कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक जनरली आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर आपको ना पता हो तो आप नोट डाउन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने लगे तो फिर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई इज इक्वल टू mx। तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल, अगर इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल दिया गया हो ए स्क्वायर बाई एम 3, तो m का मान बताइए। अच्छा, इसके लिए एक रूल होता है, लिखेंगे आप कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया रहे, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया रहे आपका, और एक लाइन दी गई हो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इनके द्वारा, अच्छा ये मान लीजिए एक पैराबोला हो गया, ऐसा पैराबोला हो गया, एक लाइन ऐसे जा रही है, कुछ भी मान लीजिए y बराबर एम एक्स है, तो इनके द्वारा जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व होगा उसका जो एरिया आएगा वो क्या होता है, 8/3, ये डायरेक्ट आप याद करेंगे, 8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, ये होता है इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो होता है, एक पैराबोला और एक लाइन। बस याद रखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब पैराबोला किस साइड ओपन होगा, जिसकी पावर कम हो, मतलब x की पावर कम हो, तो x एक्सिस पे x की साइड इधर ओपन होगा। अच्छा, एक और यहीं पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, एक होता है एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइ, अगर 4ay हो और लाइन दिया गया हो वाई इक्वल टू एम एक्स, तब इसके द्वारा एरिया क्या होता है, 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब होता है, के द्वारा 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब होता है, और इसके द्वारा ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। बस ये ध्यान, ये ऊपर खुलेगा क्योंकि वाई की पावर है, वाई एक्सिस पे खुलेगा तो ऐसे ऊपर जाएगा, ये वाला होगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। दोनों में कंडीशन अगर आपको पता हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके द्वारा एरिया दिया गया है और हमें पता है इसका एरिया क्या होता है, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। अच्छा, और यहाँ पे होता है, इसने दिया गया है, इसने दिया है कि ए स्क्वायर अपॉन 3 इसका एरिया है, दोनों बराबर कर देंगे, और कहा है आपको कि m की वैल्यू फाइंड कीजिए। अच्छा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m इधर जाएगा, तो एम क्यूब इज इक्वल टू 8, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अच्छा, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं आएगा, अगर यहाँ माइनस लगते तो एरिया माइनस में आता, बट माइनस होगा नहीं, एरिया माइनस में होता नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। अगर आपको फार्मूला पता हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जब एक इलिप्स हो और एक लाइन ड्रॉ हो एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से एक सरल रेखा जाती हो और इलिप्स दिया गया हो, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई ए बी अपॉन फोर ब्रैकेट में पाई माइनस टू, ए बी अपॉन फोर ब्रैकेट में पाई माइनस टू, ये होता है इससे पूरा एरिया क्षेत्रफल जो घिरा रहता है वो ये होता है। अच्छा, अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो देखिए क्या बनता है, अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो क्या बनेगा, ए बी इंटू पाई बाई फोर फिर माइनस टू ए बी अपॉन फोर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, पाई बाई फोर ए बी माइनस ए बी अपॉन टू, यही राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी इज द करेक्ट वन। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
जब अगर अभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अभी एक दो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड लिया, क्योंकि आपको फार्मूला अगर पता हो तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा वो क्या था अभी जस्ट इसके पहले था कि आपको एक इलिप्स दिया गया था और एक लाइन, बट यहाँ पे एक इलिप्स पूछा है डायरेक्ट। इलिप्स का एरिया क्या होता है, तो सभी को पता रहना चाहिए। इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ये आपको पता रहना चाहिए। इलिप्स का एरिया जो हम फाइंड करते हैं, ये पूरा इलिप्स मान लीजिए, ये वाला ये इलिप्स हो गया, इसका एरिया कितना होता है पाई ए बी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा अभी अभी जस्ट मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कि परवला जब दिया गया हो, एक पैराबोला हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक लाइन ड्रॉ होती हो, तो उसका एरिया क्या होता है 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। बस ये ध्यान देना है कि पैराबोला किस साइड ओपन होगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पावर कम है, जिसका पावर कम होता है, ये आपको बताया गया। पैराबोला की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। ओके तो ये हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, तो कौन सा राइट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ये दिया गया है और कह रहा है आपको इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो ये लगाएंगे, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक वाई बराबर एम एक्स दिया गया, तो एरिया लगाएंगे 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। अच्छा ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 4a इज इक्वल टू 4 होता है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अच्छा यहाँ पे एम की वैल्यू क्या दी गई है 2, और वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 8/3 ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एम क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको कौन सा आएगा 1/3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ये आपको अगर पता रहे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आप एरिया फिर कवर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो आपका ज़्यादा बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बट यहाँ अगर आपको पता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा मैंने कल भी बताया था कि जब एरिया बाउंडेड बाई कर्व आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो मैं ग्राफ से बताऊंगा, आप इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे इसमें, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ क्या होगा इसका, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलता जाता है। अब कह रहा है 0 से 2π तक, 0 यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, 0π 2π यहीं तक होगा, आगे जाना नहीं है हमें, तो इसको डिवाइड करेंगे इसका हाफ और इसका हाफ, तो क्या हो जाएगा ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। अच्छा ऊपर प्लस 2, अच्छा मैंने कल थोड़ा सा चर्चा नहीं किया था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा था, क्योंकि ऊपर जो एरिया बनता है या ऊपर जो इसका हम कट करते हैं वो प्लस में आता है, नीचे माइनस में आता है, तो ऊपर जो आएगा वो 1 1 2 हो जाएगा, नीचे माइनस में आएगा, लेकिन हमें एरिया काउंट करना है, तो एरिया क्या होता है माइनस में आता नहीं है, इसे मॉड लग के आता है, नीचे का जो होता है मॉड। अच्छा यहीं पर इंटीग्रेशन होता तो -2 बाहर डायरेक्ट आता, तो मॉड लग के आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि एरिया माइनस होगा नहीं, यहाँ पे -2 करेंगे नहीं, अगर इंटीग्रेशन होता तो -2 आता, बट यहाँ पे एरिया पूछा है आपका, तो एरिया कितना हो जाएगा 4। आप ग्राफ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आपको यही ध्यान देना होगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो आप ग्राफ से हल कर लें आसानी से, आपको इंटीग्रेशन ना लगाना पड़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक फॉर्मूला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax दिया गया हो और एक दिया गया हो x इक्वल टू 4by, तो इससे जो इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है, ये ऐसा कर्व बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, तो इनके द्वारा जो घिरा ये क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना आता है, इसका होता है 16/3 a इंटू b। अच्छा ए बी हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ए और बी की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, दोनों की वैल्यू अगर ए दी गई हो, मान लीजिए यहाँ पे 4a होता तो ए स्क्वायर आ जाता, यही आपको ध्यान देना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 16/3 a इंटू बी, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ये एरिया मतलब एक लाइन दी गई है और कह रहा है वाई इजल टू 0 एक्स इजल टू 4 to 6 से घिरा क्षेत्रफल बताइए, तो क्या होता है इससे। सबसे पहले हम वो वाली वैल्यू लेते हैं जिस जहाँ पे स्लिट दिया गया हो, मान लीजिए ये लाइन ड्रा हो रही है वाई इजल टू ऐसा कुछ लाइन जा रही है और एक्स एक्सिस बता रहा है एक्स इजल टू 4 से 6 तक हमें फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पे 6 कहीं पड़ रहा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी,
4 to 6 हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी इंटीग्रेशन से अब आपको फाइंड करना होगा। तो 4 to 6 लगाएंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू कितना दी गई है 2x+3। अच्छा डी एक्स यहाँ पे कर देंगे, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² / 2 + 3x। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4 to 6 लिमिट है ये। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 36 और 18, फिर आ जाएगा माइनस और 16 + 12 ऐड कर दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 54 - 8 और 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 26। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 26 इज द करेक्ट वन। आपको यही ध्यान देना होगा कि y की वैल्यू दी गई है और x लिमिट चल रहा है, तो x लिमिट रख देंगे और y की वैल्यू यहाँ dx पे रख के इंटीग्रेशन निकाल देंगे, ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ये दिया गया है वाई बराबर 2x और एक्स इजक्वल टू 0, वाई इजक्वल टू 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि एक्स एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स वन दिया गया है, एक्स टू में फाइंड करना है, तो वाई की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2x, तो एक्स की वैल्यू, ये एक्स टू की वैल्यू है, एक्स टू की वैल्यू 1 आएगी। तो कहाँ से ग्राफ चल रहा है, 0 से 2 चल रहा है, 0 से 1 चल रहा है, और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे रख दें, वाई बराबर 2x दिया गया डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x² / 2, तो x² आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है xy = 1, x = 1 एंड x = 2, और इससे घिरे क्षेत्रफल को आपको बताना है, इससे द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा। तो मैंने अभी वही बताया कि एक्स की वैल्यू दी गई हो तो हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वाई बराबर हम फंक्शन जो लेंगे f(x) यहाँ पे होता है ना, x1 x2 f(x), अब अच्छा यहाँ f(y) होता है, मतलब जो ये फंक्शन होगा वाई का टर्म होगा, अगर यहाँ पे y1 हो और y2 हो तो यहाँ पे f(x) होगा, तो फंक्शन कौन सा होगा x का। अच्छा अब अगर बात कर लें तो हमें x की वैल्यू दी गई है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन दिया गया है xy = 1, तो y बराबर क्या होगा 1/x हो जाएगा यहाँ पे। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1/x dx, इसका क्या होता है log x लिमिट अब पुट करेंगे 1 to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 - log 1, log 1 की वैल्यू 0, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको इंटीग्रेशन नहीं लगाना होगा, अदरवाइज आप लगाएंगे तो आंसर आएगा, बट आपको ग्राफ से सॉल्व करना होगा, कहाँ पे भी दो जगह आपको ग्राफ का यूज करना होगा, इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन में भी अगर दे दे कि इसका यहाँ से यहाँ तक आप इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए तब भी ग्राफ का यूज करेंगे, और एरिया बाउंडेड बाई कर्व में भी। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, यहाँ से चलेगा ऐसे, कह रहा है 0 से π के बीच, 0 से π के बीच स्लिट दो बार ऐसे कट करेगा, तो इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है x = 2π से जो घिरा क्षेत्रफल है वो फाइंड करना है। अच्छा अब हम ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले साइन एक्स का 0π 2π, 0π 2π, अच्छा यहाँ से यहाँ स्लिट कट करेंगे, एक यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + नीचे वाला माइनस में आता है तो -2 mod -2, तो मॉड से बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 आ जाएगा राइट आंसर। अच्छा यहीं पे इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट माइनस बाहर आता तो 0 हो जाता, बट यहाँ पे एरिया एरिया माइनस में होता नहीं तो 4 आ जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है xy = c² एंड रेखा दिया गया है x = a x = b, तो कह रहा है इसका आपको क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर x की वैल्यू दी गई तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा c² / x आ जाएगा। अच्छा x की वैल्यू दी गई है, x कहाँ से दिया गया, इंटीग्रेशन लगाएंगे a to b c² / x dx, ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो c² बाहर आ जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे a to b, तो क्या हो जाएगा c² log
बी माइनस लॉग ए। अच्छा अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, सी स्क्वायर लॉग बी बाई ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत आसान होता है, बस आपको पता रहना चाहिए कि अगर एक्स का टर्म दिया हो तो हम वाई की फंक्शन लेंगे, और वाई का टर्म दिया हो, वाई की लिमिट दी गई हो तो हम एक्स का फंक्शन लेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बाई ए, मतलब सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा कह रहा है एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स का दिया गया है लिमिट 1 से 2, और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसे ओपन कर लेंगे, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, ओपन जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वाई की वैल्यू दी पता चली गई हमें, और हमें लिमिट भी दिया गया, तो हम रख देंगे 1 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा माइनस 3x² सॉरी 3x³ आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना आप, तो क्या आ जाएगा आपका x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x, और लिमिट पुट करना है 1 to 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का यहाँ पे हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे रखेंगे 8 बाई 3 माइनस 4, मतलब यहाँ से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा प्लस 4, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 2 और प्लस 2। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 18 आ जाएगा 12, और यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे 20, और 2 बाई 3 इसका आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे 6 अगर लेंगे तो 2 और माइनस 9 प्लस 12, मतलब कितना आ जाएगा आपका 14 माइनस 9 6 आ जाएगा। एक सेकंड, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, 2 आ जाएगा यहाँ पे और 9 और यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 5 बाई 6 आ जाएगा 2 बाई 3। एक सेकंड, 2 बाई 3 माइनस 5 बाई 6 माइनस 5 बाई 6, तो इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा, आएगा आपका 12 माइनस 15, मतलब माइनस 12 अपॉन, एक सेकेंड एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम 6 लेंगे 2 आ जाएगा, जब हमने एलसीएम 6 लिया तो 2 4 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 5 6, और कितना आ जाएगा 1 बाई 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1 बाई 6। अच्छा माइनस में आएगा तो हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे भाई, निगेटिव में होगा नहीं, एरिया तो कभी निगेटिव में होता नहीं है, तो 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कहीं मैच कर रहा है, बस आपको यही वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करना था, वैल्यू पुट कर देनी थी, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा दिया गया है, ये दिया गया है टर्म, और कह रहा है कि आपको इतना टर्म दिया गया है, एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू दी गई है, तो वाई की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा 0, x2 दिया गया है 1, अब और यहाँ पे लिमिट आपको पता चल गई, अब वाई लिमिट रख देते हैं 0 से 1 x³ dx, भाई वाई फंक्शन क्या होना चाहिए, वाई वाला, और लिमिट क्या होनी चाहिए, एक्स एक्स वाली, तो 0 से 1 x³ काम करेंगे तो x³⁴/4 लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 करेक्ट आ जाएगा आपका राइट आंसर, तो बी इज द करेक्ट वन। एरिया बाउंडेड बाई कर्व बहुत ईजी होता है, बस आपको फंक्शन पहचानना होता है और लिमिट एग्जिस्ट करा देनी होती है, आपका आंसर आ जाएगा। नाउनेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन पे, एरिया बाउंडेड बाई कर्व के इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ईजी होता है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट आपको क्या पता रहना चाहिए, ऑर्डर एंड पावर, ऑर्डर एंड पावर के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूँ यहाँ पे, अगर ना पता हो तो मैं एक बार कर देता हूँ, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है ऑर्डर, मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होगा वो ऑर्डर होगा। और पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव ये क्या होता है, ये डिग्री होता है, ये डिग्री होगा आपका, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव ये डिग्री होता है। अच्छा ऑर्डर और डिग्री की बात मैं कर दूं तो जो ये दोनों होंगे ये क्या होंगे, बोथ भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होंगे ये दोनों, ऑर्डर और डिग्री क्या होंगे, बोथ बी पॉजिटिव इंटीजर, बोथ बी पॉजिटिव इंटीजर होंगे ये, ना ही निगेटिव होते हैं ना ही फ्रैक्शनल होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, ये ना ही निगेटिव ना ही फ्रैक्शनल होंगे, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा
कभी कभी आपको दिया जाएगा लॉग फंक्शन दे दे और एक्सपोनेंशियल दे दे मान लीजिए आपका, और दे दे कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दे कुछ भी। तो ये इस वाले फंक्शन में जब भी कोई पूरे टर्म में अगर ये टर्म दिया गया हो तो डिग्री जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। अच्छा अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अभी भी कहा कि जो ये पावर होता है या ऑर्डर होती है, सॉरी ऑर्डर और डिग्री जो होता है वो फ्रैक्शनल होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल दिया है, तो सबसे हम पहले इस वाली टर्म को इधर करेंगे। तो ये पी दिया गया है d2y dx2। अच्छा हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर होल स्क्वायर कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + dy कुछ भी है यहाँ पे, बट हमें क्या लेना होगा, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हो यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, पावर होल बाई होल की पावर 3 आएगा यहाँ पे। तो हमें क्या लेना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव लेना है। मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, d2y dx2। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, ऑर्डर आएगा 2। अब हमें डिग्री फाइंड करना है, तो पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव उसी पावर उसका ही पावर लेंगे जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया हो, तो पावर इसी का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो डी ऑर्डर और डिग्री कितना आ गई, 2 2 2, दोनों 2 ही आएंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बस आपको देखना है कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी फ्रैक्शनल ना हो, ना ही निगेटिव दिया गया हो, ना ही एक्सपोनेंशियल। अगर भाई एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम या टेन आएंगे तो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, तो ऑर्डर आप देख लेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा अब इसकी चर्चा करते हैं हम, क्या है ये क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है ये, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपका इक्वेशन दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और dy और dx के साइड फंक्शन को करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 1 + x² dy और बाई dx इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं, 1 + y²। अच्छा अब इसको इस साइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, dy/1 + y² इज इक्वल टू 1/1 + x² dx। यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन कर देंगे इन लोगों का, तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x प्लस, अगर यहाँ पे आप लगाना चाहें तो tan इनवर्स c लगा दें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को हम चाहे किसी के भी साथ लिख सकते हैं। तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स c, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोनों को एक ही साइड करना था, मतलब फंक्शन जो हो वो एक ही साइड हो, तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। आई थिंक डी इज़ द करेक्ट वन, यहाँ पे दिया गया डी इज़ द करेक्ट वन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब आपको कह रहा है कि जो मूल बिंदु से जाने वाले गुजरने वाली रेखाओं के युग्म का अवकल समीकरण, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना है जो मूल बिंदु से जाए। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा क्या होती है, y = mx, c 0 हो जाता है वहाँ पे, यही होता है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx। अच्छा डेरिवेटिव कितनी बार करते हैं, जितनी जितना कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट 1 2 3 4 जितने कांस्टेंट होते हैं उतना ही हमें डेरिवेटिव करना होता है। dy/dx करेंगे तो m आ जाएगा, m की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, dy/dx x। तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, y/x। अच्छा ऐसा टर्म में नहीं दिया गया है, आपको कह रहा है ऐसे दिया गया है, x dy/dx - y x dy/dx - y = 0। भाई भाई दोनों है, ये भी सही है आपका, ये भी राइट आंसर है। तो ऐसे टर्म में अगर दिया तो हम इसका क्या लगाते, बट दिया गया क्या गया है, x dy/dx - y = 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हो जाएगा आपका। बस आपको कह रहा था ना मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का युग्म, आपको पता होना चाहिए मूल बिंदु से जाने वाली इक्वेशन क्या होता है लाइन का। तो सी इसमें 0 होता है, y = mx + c, c 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के आप आंसर कर सकते थे, तो ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा अभी क्या दिया गया है आपको, दो कांस्टेंट टर्म दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx - a sin x + b cos x आएगा। फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर दो कांस्टेंट टर्म दिए गए हैं, तो d2 dy dx2 माइनस a
साइन का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस जब हम कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, डी टू आई डी एक्स टू माइनस ये वाला टर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी साइन एक्स पहला ही टर्म है तो वाई हो जाएगा यहाँ पे, तो पूरा क्या आ जाएगा आपका डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहीं मैच कर रहा है, ए इज द करेक्ट वन, बस आपको ये इसकी वैल्यू दो बार डिफ्रेंसिएशन करके वैल्यू पुट कर देनी थी आपका आ जाता। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जो ये इक्वेशन दिया गया है ये किसको प्रदर्शित करता है। तो हम सबसे पहले इसका एक साइड कर लेते हैं, मतलब वाई के टर्म को डी वाई के साथ और एक्स के टर्म को डी एक्स के साथ, सॉरी। तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, तो डी वाई बाई वाई आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी कर देंगे हम, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म को किसी के साथ भी लिख सकते हैं। अभी हमने पहले जो पिछले वाले में लिखा था टेन के साथ, अब यहाँ पे हमें लॉग की जरूरत है तो लॉग के साथ लिख देंगे, लॉग वाई मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स सी, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स सी। अच्छा ये किसका इक्वेशन होता है, एम एक्स क्या होता है, एम मतलब कॉन्स्टेंट होता है, तो ये क्या है मूल बिंदु से जाने वाला, जाने वाली एक सीधी रेखा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन, बस आपको जो डी वाई है उसके साथ वाई लगा देना है और एक्स के साथ डी एक्स, दोनों एक साथ होने चाहिए तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन मैंने किया और आपका आंसर आ गया, तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा इसमें पूछा है आपको कि पावर बताइए। अब आपको पूरा हल नहीं करना है, आपको क्या करना है देखना है कांस्टेंट टर्म कितनी बार है, हालांकि पावर के लिए आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक लॉजिक सेट हो रहा है हमारा कि जब हम एक ही बार पावर करेंगे इसका, एक ही कांस्टेंट टर्म दिया गया है तो हम उसका अगर एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही करना होगा, तो एक ही बार करेंगे तो इसका पावर कितना बन रहा है, वन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, कि एक ही कांस्टेंट टर्म दिया गया तो हम एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक ही बार करेंगे तो पावर भी आपका उसी का आएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन था। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसका आपको हल बताना है, तो सॉल्व करना है। अभी मैंने जस्ट बताया कि एक्स वाले टर्म को एक्स के साइड और वाई का वाई के साइड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं दोनों का, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बाई थ्री और इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री और प्लस सी, प्लस सी इस साइड कीजिए आप या तो इस साइड कीजिए, दोनों साइड से आएगा, वाई क्यूब प्लस सी कर दीजिए यहाँ पे भी आएगा, दोनों साइड से ही होगा, दोनों साइड से आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अगर थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी बनेगा, या तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, ये भी आपका राइट आंसर है, या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, दोनों आपका राइट आंसर है। इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है वो देख लेंगे, तो इज द करेक्ट वन, दोनों दोनों में से एक जो मैच करे वही आप टिक कर देंगे। बस आपको क्या ध्यान देना है कि वाई के टर्म को वाई की साइड, एक्स के टर्म को एक्स की साइड, फिर इंटीग्रेशन करके आप निकाल लेंगे आसानी से, तो ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा अब कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें जो y इज इक्वल टू वाई मतलब वन रखने पे वन आना चाहिए आपको, ये वन y की जो टर्म आएगी इसमें अगर हम फंक्शन में वन पुट करें तो पूरे का वैल्यू वन आना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, y डी वाई इज इक्वल टू y की टर्म y साइड और x की टर्म को x की साइड, तो डी एक्स जब करेंगे तो हम इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई टू और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा जब हमने यहाँ पे फंक्शन पे रखा तो यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, नीचे से टू कैंसिल हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे फंक्शन पे रखा वन की वैल्यू, वाई स्क्वायर में अगर हमने फंक्शन में वन रखा तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन। अब हमें वन लाना है तो वन लाने के लिए यहाँ पे टू ऐड कर देंगे, टू ऐड करेंगे तो वन बन जाएगा, तो इसमें हम टू ऐड कर देते हैं, फंक्शन आपका कौन सा बनेगा, ये वाला फंक्शन बनेगा जिसमें वैल्यू वन पुट करने पे वन आएगा आंसर, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अच्छा, अब बात आ गई थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है लीनियर डिफरेंशियल। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बनाएंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर देंगे। अच्छा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे टर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा दिया गया रहे, या तो दिया गया रहे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर ऐसा दिया रहेगा तो जो p और q होंगे वो एफ ऑफ एक्स होंगे, मतलब फंक्शन जो होंगे वो x के टर्म के होंगे, और ये ऐसा दिया गया हो तो ऐसे वाले टर्म यहाँ पे q वन कर दीजिए, p वन और q वन ये y के फंक्शन होंगे, एफ ऑफ y के फंक्शन होंगे। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं इंटीग्रेट, एक सेकेंड, इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं, आई एफ जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर हम इसमें फाइंड करते हैं। वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, या ये वाले टर्म में अगर ये वाला दिया गया है तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा, ई की पावर पी डी वाई हो जाएगा, पी वन डी वाई से कर देंगे। अच्छा, इंटीग्रेटेड फैक्टर आने के बाद फिर क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फैक्टर क्यू डी एक्स, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर फंक्शन क्या हो, एक्स का टर्म का हो, अगर यहाँ पे फंक्शन होता वाई का टर्म का, हम क्या कहते हैं एक्स इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फैक्टर, यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैक्टर क्यू डी वाई यहाँ पे करते। अच्छा, ये दोनों आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या बन रहा है, इसे जो नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हम सबसे पहले पी वाई के टर्म में लाएंगे, तो पी वाई के टर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स से डिवाइड करना होगा, एक्स से डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या यहाँ पे बनेगा, प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब देखिए फंक्शन दोनों बन रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है और पी का फंक्शन एक्स का बन रहा है, इसका भी क्यू का भी एक्स का बन रहा है, तो हम इंटीग्रेटर फैक्टर यहाँ पे लगा देते हैं। इंटीग्रेटर फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स और वन अपॉन एक्स प्लस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इसका क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा इक्वेशन का, ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स, ई की पावर क्या कितना आ जाएगा, लॉग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स आ जाएगा। अच्छा, लॉग इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो इंटीग्रेटर फैक्टर आपका एक्स आ गया। अब हम मैंने कहा था इक्वेशन क्या होता है, y इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर x, बस इतना रहना चाहिए, इंटू डी एक्स। अब आप इसका इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए कैसे होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के y x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम किसे मानेंगे, अलजेब्रिक पहले आता है, आईलेट्स मैंने कल बताया था, आईलेट से मानेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन इंटू फर्स्ट का, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एक्स है तो इसका करेंगे वन हो जाएगा, तो इसका आप निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स उसने कॉमन कर लिया है, तो आप कॉमन करना चाहे तो कर लेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन आना चाहिए, एक्स माइनस वन मतलब बी इज द करेक्ट वन आ जाएगा। बस आपको इंटीग्रेटर फैक्टर आपने निकाला तो जो इक्वेशन मैंने बताया था वाई इंटीग्रेटर फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटर फैक्टर क्यू डी एक्स, वही वाली वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते थे। ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी और क्वेश्चन आएंगे तो दो तीन क्वेश्चन में आपको आसानी से आने लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अब जैसे ये वाला फंक्शन आ गया, इसमें लीनियर नहीं दिया गया है, अब इसमें अगर आप लगाएंगे तो अगर ऐसा दिया गया है वो टर्म, तो x का x के साइड y का y के साइड करते हैं हम। अच्छा, जब हम इसे करेंगे, एक सेकेंड, जब इसे हम एक साइड करेंगे तो क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री कहते हैं। अच्छा, जब हम लगाएंगे इसे तो क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई दिया गया है, एक्स के टर्म में एक्स के टर्म और वाई के टर्म वाई के साइड दिया गया है, तो हम इसे वाई की साइड कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका,
यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस सॉरी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, और यहाँ पे आ जाएगा तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन। बस आपको पता है क्या करना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का हो तो उसके साइड एक साइड कर देंगे दोनों को, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के यहाँ सॉल्व कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा इसके लिए आपको क्या करना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट हमें क्या करना होगा कि वाई के फंक्शन को वाई की साइड और एक्स के फंक्शन को एक्स की साइड, तो हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, अच्छा दोनों को अब हम अलग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई वाई इंटू ई एक्स प्लस ई वाई इंटू ई माइनस एक्स कह सकते हैं। अच्छा यहाँ से हम ई की पावर वाई कॉमन करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा क्या ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे दोनों का, जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस सी कर देंगे आप यहाँ पे। अच्छा माइनस में दिया नहीं गया है कहीं पे, तो आप माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, तो राइट ऑप्शन आपको कहीं मैच हो रहा है देख लेते हैं, तो कहाँ पे मैच हो रहा है बी इज द करेक्ट वन। उसने ऐसा किया है ना कि माइनस वाले टर्म को आगे कर दिया माइनस कॉमन करके, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या तो आप माइनस मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस यही आपको ध्यान देना है कि जो वाई जो फंक्शन हो दोनों वाई का टर्म हो वाई के साइड और एक्स का टर्म हो एक्स के साइड, फिर इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व कर देंगे, ये होता है इक्वेशन का सोल्यूशन। तो ये आपका बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अच्छा अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, जैसे ही शुरुआत हुआ था ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया, तो आप जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, घात पूछ रहा है, और आप ध्यान से देखेंगे, आप तुरंत ये नहीं कर देंगे, बहुत लोग जल्दीबाजी में मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया लॉग टर्म, लॉग टर्म जब भी दिया गया हो तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, लॉग दिया गया हो या एक्सपोनेंशियल दिया गया हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, इसमें डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर आपका एग्जिस्ट करेगा, तो ऑर्डर इसका। अच्छा डिग्री पूछा है तो डिग्री नहीं होगी तो डी इज द करेक्ट वन। अच्छा ऑर्डर बताइए इसमें क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या किया गया फाइव तक किया गया, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका फाइव आ जाएगा, बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लॉग का टर्म दिया गया है। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अच्छा हम अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपको ऑर्डर सॉरी डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री के लिए हम देखेंगे कहीं पे अगर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक अगर फंक्शन दिख जाए तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। सॉरी तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपको डिग्री फाइंड करनी है। अच्छा अगर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता, बट अभी दिया नहीं गया तो डिग्री एग्जिस्ट करेगा। तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो हम मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है क्यूब है, यहाँ पे थ्री डी थ्री डी एक्स थ्री डी थ्री बाई डी एक्स थ्री दिया गया है, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है, मैंने कहा था फ्रैक्शनल पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको उसको एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में लाना होगा, तो हम पूरे का होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब करेंगे तो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, हमें और टर्म से फाइंड नहीं करना है, हमें वही वाला टर्म देखना है कि यहाँ से हम पी बाई क्यूब को हटाएं कैसे, तो क्यूब कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा डी थ्री डी थ्री वाई डी एक्स थ्री की पावर फोर बचेगा यहाँ पे, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा थ्री, और पावर क्या आ जाएगा आपका या डिग्री कितना आ जाएगा आपका फोर, तो ए इज द करेक्ट वन। ऑर्डर इसमें कितना होता है थ्री होता और डिग्री आपका फोर आ गया, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा अभी अभी मैंने जैसे बताया था पीछे कि y के फंक्शन को y की साइड x के फंक्शन को x की साइड, अच्छा दोनों को हम अलग अलग कर दें इसमें, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा y की साइड y को और x की साइड x को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन इसका हम सबको पता है ये क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है,
साइन इनवर्स एक्स को ही हम तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल प्लस सी। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट वन। बस फंक्शन ध्यान देना है कि अगर फंक्शन डी वाई का है तो डी वाई की साइड डी वाई को हम कर देंगे, डी एक्स की साइड डी वाई को कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अभी अभी मैंने जस्ट बताया था कि इंटीग्रेटर फैक्टर कैसे निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो और एरिया बाउंडेड बाई कर्व बहुत इजी चैप्टर होते हैं, बस आपको आता रहे अगर पता रहे कि कैसे फाइंड करते हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया जस्ट कि इंटीग्रेटर फैक्टर के लिए क्या फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऐसा दिखना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो पी वाई क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक मतलब एक टर्म दिया गया है, तो इसे हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो टेन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सेक एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटर, बस उसने पूछा समाकलित अवयव, ये क्या होता है इंटीग्रेटर फैक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समाकलित अवयव, इंग्लिश में इंटीग्रेटर फैक्टर कहते हैं। तो उसने केवल इंटीग्रेटर फैक्टर फैक्टर पूछा है, आपको इक्वेशन नहीं पूछा है। तो इंटीग्रेटर फैक्टर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेटर फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, अगर फंक्शन एक्स का हो तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, पी क्या दिया गया है, टेन एक्स। अच्छा तो हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर tan x dx। अच्छा कल मैंने tan x का इंटीग्रेशन बताया, तो क्या होता है log sec x होता है या माइनस log cos x होता है, दोनों होते हैं। तो log sec x हम रखेंगे, तो log sec x जब रखेंगे तो e log e का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, sec x बचेगा आपका। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आ गया आपका, sec x। अच्छा इक्वेशन पूछा होता तो हम यहाँ पे लगाते y इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फैक्टर क्यू डी एक्स, यही लगाते, बट उसने इक्वेशन नहीं पूछा है, उसने पूछा है डायरेक्ट आप इंटीग्रेटेड फैक्टर बताइए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। बस आपको क्या ध्यान देना है कि डी वाई बाई डी एक्स स्टार्ट हो और पी वाई दिया गया इज इक्वल टू क्यू, जो पी और क्यू हो फंक्शन ऑफ एक्स के होने चाहिए। अगर यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई दिया गया होता तो पी वाई किसके फंक्शन होते, डी वाई के होते फंक्शन, सॉरी एफ फंक्शन किसके होते, वाई के टर्म के होते। अच्छा अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अच्छा अब इसमें कह रहा है आपको, अब थोड़ा सा इन्वर्स कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है, पहले क्या देता था फंक्शन देता था फिर उससे डिफरेंशिएशन करने को कहता था, अब डिफरेंशिएशन देके फंक्शन पूछ रहा है फंक्शन किसका होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, फंक्शन की जो फंक्शन एक्स का दिया गया उसको एक्स की साइड करेंगे, तो यहाँ पे डी एक्स टू आएगा। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो क्या बचेगा यहाँ पे, जब हम ऐसा नहीं करते आप कर लीजिए आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा। अच्छा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स बाई टू और प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक बार और हम अगर इसका डेरिवेटिव करें तो आपका आ जाएगा आंसर, एक सेकेंड यहाँ पे इरेज करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि ऐसा टर्म मिल जाए कि हमारा फंक्शन दोनों को एक ही साइड करना होगा, तो फंक्शन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम जब सबसे पहले करेंगे इसे क्या करेंगे कि तो आपका फंक्शन दिया गया है इतना, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे माइनस आएगा प्लस सी, और आ जाएगा यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा, मतलब सी एक ही बार डिफरेंशिएशन हमने करा है, सॉरी इंटीग्रेशन करा है, फिर इसका इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा डी वाई डी, अगर एक बार खोलेंगे तो डी वाई आएगा यहाँ पे डी वाई, और यहाँ पे डी एक्स बनेगा, डी वाई डी एक्स बनेगा। अच्छा फिर इसका इंटीग्रेशन हम एक बार और करेंगे तो क्या बनेगा आपका वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स
मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसका, और डी एक टर्म और बचेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई बचेगा, डी एक्स बचेगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो कौन सा आपका आंसर देख लेते हैं मैच कर रहा है, तो आई थिंक सी इज द करेक्ट वन। बस आपको क्या ध्यान देना था, 2 बार डिफरेंशिएशन दिया था, 2 बार इंटीग्रेशन करना था, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा। आपको कांस्टेंट टर्म को भी साथ लेना है, कांस्टेंट टर्म को आप साथ लेते चलेंगे, क्योंकि एक बार कांस्टेंट टर्म जो बनेगा दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा इसमें पूछा गया आपको इंटीग्रेटर फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटर फैक्टर के लिए आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए। मैंने सबसे पहले शुरुआत में अभी कुछ देर पहले ही बताया था, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, और पी और क्यू किसके फंक्शन होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के, और दिया भी गया है। तो इंटीग्रेटर फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या दी गई है 1/x दिया गया है, और इंटीग्रेशन कर देते हैं तो लॉग एक्स करेंगे, ई की पावर लॉग एक्स आ जाएगा आपका, ई की पावर लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज द करेक्ट वन। अच्छा ए इज द करेक्ट वन हो जाएगा। अच्छा इक्वेशन पूछता तो हम वाई इंटीग्रेटर फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटर फैक्टर क्यू डी एक्स करते तो उससे आपका इक्वेशन बनता, बट उसने क्या पूछा है इंटीग्रेटर फैक्टर आप डायरेक्ट बताइए, तो इंटीग्रेटर फैक्टर ऐसे निकलता है। अच्छा अगला हम सवाल देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमें क्या बनाना होगा, 2 फंक्शन यहाँ पे दे दिया गया है, इसको वाई और एक्स को हमें एक साइड करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई वाई डी एक्स दिया गया है प्लस वाई दिया गया है। अच्छा इसे हम ओपन कर देंगे, 1/x प्लस 1 y/x, सॉरी x से डिवाइड कर देंगे दोनों में, और y के टर्म को एक साइड कर देंगे, क्योंकि हमें इस वाले टर्म में क्या करना होगा कि एक फंक्शन ऑफ x बन जाए, इधर फंक्शन ऑफ दोनों फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, और इंटू यहाँ पे y हो जाए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को इस साइड लाएंगे, तो y को जब हम इस साइड लाएंगे तो y कॉमन हो जाएगा, 1 - 1/x इज इक्वल टू 1/x, ये आ गया p आपका आ गया, और ये क्यों आ गया आपका, उसने क्या पूछा इंटीग्रेटर फैक्टर पूछा है। इंटीग्रेटर फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx होता है, p की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, आप पुट कर दीजिए वैल्यू आप। अच्छा e की पावर x, एक सेकेंड, e की पावर 1 माइनस इंटीग्रेटर 1/x, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इससे क्या आ जाएगा x माइनस log x। अच्छा दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों अलग अलग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर लॉग एक्स, इन्वर्स कर सकते हैं क्योंकि माइनस है यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, ई लॉग ई 1 हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। बस आपको क्या ध्यान देना था कि वाई की टर्म को हमें ऐसा करना होगा कि ये वाला फंक्शन बने, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और पी का टर्म फंक्शन ऑफ एक्स हो, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स में यहाँ पे क्यू में वाई का मल्टीप्लाई किया था, वाई को ऐड किया था, तो हमें दोनों को अलग करके फंक्शन ऑफ यहाँ पे एक्स बनाना था, यहाँ पे भी एक्स बनाना था, तो हमने जैसे किया हम उसके बाद इंटीग्रेटर फैक्टर लगा के हमने सॉल्व कर दिया। तो राइट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई पावर एक्स अपॉन एक्स, मतलब बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, बस आपको अगर बनाना आता हो ऐसा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एक फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, बट यहाँ पे फार्मूला दिया नहीं गया है, अगर फार्मूला लिखना चाहें तो हम बता देते हैं आपको, फार्मूला अगर पता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तब भी बन जाएगा, वाई से डिवाइड करेंगे फंक्शन ऑफ वाई को एक साइड, फंक्शन ऑफ एक्स को एक साइड, तो कर देंगे आ जाएगा। अच्छा तो फार्मूला क्या होता है कि डी वाई डी एक्स बाई डी वाई एक्स, इसका जब हम करते हैं तो क्या बनता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, यही वाला टर्म दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स वाई वाई। अच्छा ये फार्मूला होता है, अगर ऐसे नहीं मैच कर रहा है भाई यही होगा फार्मूला। अच्छा आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ऐसे नहीं दिया गया हो, ऐसे फार्मूला नहीं दिया गया, उसने इक्वेशन पूछा तो आप डिवाइड करके कर दीजिए। अच्छा वाई से स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई आ जाएगा, वाई के टर्म को वाई की साइड, एक्स की टर्म को एक्स की साइड, तो क्या जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्लस लॉग सी करिए आप,
तो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई सी आएगा, या आप यहाँ पे कह दें ऐसे, यहाँ पे अगर हम ये दोनों हो सकते हैं, ये ऐसा टर्म भी बन सकता है, यहाँ पे या तो बनेगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी भी बन सकता है, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन है, दोनों का कॉन्स्टेंट टर्म एक ही साइड आ सकता है, यहाँ पे लॉग वाई आ सकता है, अच्छा प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू वाई, ये दोनों आंसर आ सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई या एक्स इज इक्वल टू वाई सी। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स सी मैच कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा आपका, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला था, अगर कभी कभी ऐसा फार्मूला ना दे तो ऐसा इसने इक्वेशन पूछा है, बट ये फार्मूला होता है इसका कि बेस भाई वही बन रहा है, बेस इंटू जो इसका है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले का, फिर इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, होल अपॉन नीचे का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा ये बात आपका हो गया, आपका आंसर कौन सा मैच हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिग्री बताने के लिए, डिग्री पूछा है तो पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या होता है, डिग्री होता है, डिग्री के लिए और ऑर्डर डिग्री दोनों के लिए क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ना निगेटिव हो ना फ्रैक्शनल, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल दिया गया तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो हम स्क्वायर करेंगे तो डी थ्री बाई डी एक्स थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री बन जाएगा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू स्क्वायर करेंगे यहाँ फोर आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या बना, थ्री यहाँ पे फोर, पावर ऑफ मैक्सिमम, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, थ्री तक का किया गया है, तो ऑर्डर आपका थ्री आ जाएगा, डिग्री कितना आ जाएगा आपका थ्री, तो आंसर यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट आप कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द सॉरी थ्री इज द करेक्ट वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑर्डर भी थ्री होगा, डिग्री भी थ्री होगी। अच्छा अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहा है कि इसमें आपको डिग्री बताना है, डिग्री क्या होगा, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव के पास हम जब गए तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल पावर है, तो हम इसका फाइव की पावर में मतलब फाइव का स्क्वायर मतलब फाइव के टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब फाइव का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा डी फोर वाई डी एक्स फोर की पावर थ्री बन जाएगा। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, और ऑर्डर क्या आ जाएगा, फोर, डिग्री आ जाएगी थ्री, तो थ्री इज द करेक्ट वन, डिग्री पूछा ऑर्डर पूछता तो फोर करते हैं, और वाली टर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें जिस जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव किसका है, अगर वो उसका पावर अगर फ्रैक्शनल में है तो उसे हम इंटीजर में लाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर में, उसके बाद हम वही कह देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, तो तीन आ जाएगा आपका आंसर, मतलब सी इज द करेक्ट वन। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम आपको पूछा गया है, आपको डिग्री बतानी है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत ईजी होता है, तो आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखने के लिए हमें मैक्सिमम डेरिवेटिव के पास जाना होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें क्या है, डी थ्री बाई डी एक्स थ्री, इसका पावर क्या है, वन, तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, वन। अच्छा डी ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर ऑर्डर थ्री आता, डिग्री वन आ गया आपका, तो डी इज द करेक्ट वन। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल, ओके।